हरण महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग सह चार धाम पैदल यात्रा का आज लगभग 6 महीने पूरे होने वाले हैं और मैं पहुंचा हूं अपना 7वां ज्योतिर्लिंग और भारत का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर आपके सामने है और काफ़ी अच्छा पूजा हुआ। सुबह 5 बजे मैं यहां आया और उसके बाद मेरे साथ दीप से जयेश भाई और मयूर भाई आए थे। ये है बड़े भाई जयेश भाई, जिनके कारण काफ़ी सपोर्ट मिला और आप देख सकते हैं इधर समुद्र का नज़ारा, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा यहाँ का, काफ़ी खूबसूरत। और इस साइड में पाकिस्तान है और अभी तक का यात्रा ठीक ठाक था और आगे भी महादेव की कृपा से ठीक ही रहेगी। और काफ़ी प्यार मिला गुजरात में, गुजरात के लोगों से, और सही था हरण महादेव। तो ये है मयूर भाई, थोड़ी देर पहले ये कैमरा पकड़े हुए थे तो इनका फेस नहीं आया। और ये जयेश भाई, भाई आपका नाम क्या है? अमित। हाँ, ओ अमित भाई, थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और बहुत अच्छा रहा गुजरात, और गुजरात में अभी 1000 किलोमीटर और पैदल चलना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगा अपने होटल पर और ये सभी यहाँ पर आए थे पूजा करने और ये भाई लोग मिले। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। और मैं बिहार वाले का भाई डा मंजा 8 किलोमीटर चल के 8000 किलोमीटर चल के आए। ये वीडियो कहीं डालना बता क्यों? डालो कोई बात नहीं, डालो कोई बात नहीं, शेयर करो आप यूट्यूब पे आए। अभी हम लोग होटल के लिए निकल रहे हैं और ये पीछे सोमनाथ मंदिर। अब वापस कब आना होगा पता नहीं, लेकिन दर्शन करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और एक नई ऊर्जा फिर से आ गई। यहाँ से निकलेंगे द्वारिका के लिए। द्वारिका से फिर नागेश्वर, नागेश्वर से और उसके बाद ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, फिर यूपी नई दिल्ली होते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री और फिर वहां से वापस काशी विश्वनाथ, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और उसके बाद लास्ट पशुपतिनाथ नेपाल।